हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। दिस इज़ आवर हिस्ट्री क्लास फॉर क्लास 12th एंड चैप्टर फर्स्ट जो अभी की चल रहा है। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ द प्री हिस्टोरिकल स्टोन कल्चर इन इंडिया। प्री हिस्टोरिकल स्टोन कल्चर इन इंडिया, इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्टोन एज ऑफ अर्ली ह्यूमन। ओके, द टॉपिक टुडेज आवर टॉपिक इज द प्री हिस्टोरिकल स्टोन कल्चर इन इंडिया। एंड इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोन एज ऑफ अर्ली ह्यूमन। स्टोन एज, द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज एंड वट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स दे यूज इन द डिफरेंट एजेस ऑफ स्टोन एज। प्री हिस्टोरिकल, फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस नेम, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द प्री हिस्टोरिकल। सी, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, what is the meaning of these two period? History, his scholars have divided all activities done by human in the past into two part. ki scholars ne jo activities hain, human activities that done in the past, jo ki past mein ki hain, aaj ki activities ko nahi, jo past ki activities hain, to activities of human done in the past divided into two categories by the scholars. तो स्कॉलर्स ने हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ डन इन द पास्ट डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। तो हमारी एक्टिविटीज़ को, यानी कि जो हिस्ट्री की यानी कि पास्ट की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्कॉलर्स ने टू पार्ट में डिवाइड किया है, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या है, सिंस ह्यूमन स्टार्टेड reading and writing to modern period. तो हिस्ट्री कौन सा पीरियड है कि जब से मानव ने पढ़ना और लिखना जाना है तब से लेकर के और आज तक के पीरियड, मतलब मॉडर्न पीरियड आया है और उसको हिस्ट्री में इंक्लूड किया है कि जब से मानव ने पढ़ना लिखना जाना था उस टाइम से लेकर के जो मॉडर्न पीरियड आया है तब तक इस एक्टिविटी को हिस्ट्री पीरियड में रखा है। और ये है द एक्टिविटीज़ डन बाय ह्यूमन बिफोर दिस पीरियड, और द एक्टिविटीज़ डन बाय ह्यूमन before this period, इस पीरियड यानी कि हिस्ट्री से पहले वाला जो पीरियड है जिसमें ह्यूमन ने जो एक्टिविटी की है उसको किस में रखा है, इंक्लूडेड आर इंक्लूडेड इन प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री से पहले वाला पीरियड। तो जब मानव ने पढ़ना लिखना जान लिया था तब से लेकर के जो मॉडर्न टाइम आया तब तक का पीरियड क्या कहलाया, हिस्ट्री। और हिस्ट्री से भी पहले वाला टाइम जिसमें मानव ने जो एक्टिविटी की थी, जो ह्यूमन ने, द एक्टिविटीज़ डन बाय द ह्यूमन लाइक बिफोर राइटिंग और रीडिंग के पहले जो एक्टिविटी वो करता था, तब तक तो ये एग्रीकल्चर वगैरह सीख चुका था, लेकिन इसके पहले जो हंटिंग और गैदरिंग का जो काम करता था वो एक्टिविटी प्री हिस्ट्री पीरियड में आती है। एंड प्री हिस्ट्री पीरियड आल्सो कॉल्ड द स्टोन एज, और प्री हिस्ट्री पीरियड को स्टोन एज भी कहते हैं। व्हाई प्री हिस्ट्री पीरियड इज़ कॉल्ड स्टोन एज, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट था, जो चीज़ थी, जो वस्तु थी, विच वॉज मेनली यूज बाई द मैन वॉज स्टोन। जो वो सबसे ज़्यादा इंसान जो यूज़ करता था वो स्टोन ही था, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, स्टोन एज भी कहा गया है। तो अंडरस्टूड कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी उसको कितने पार्ट में बांटा गया है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ डन इन द पास्ट डिवाइडेड इनटू टू पीरियड।
तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो किसने पास्ट में की थी उसको टू पीरियड्स में डिवाइड की गई है। कौन कौन सी हैं वो? हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री वाला पीरियड वो है कि सिंस ह्यूमन स्टार्टेड रीडिंग एंड राइटिंग, जब उसने पढ़ना लिखना जान लिया था, और तब अप टू मॉडर्न एज तक। और वो एक्टिविटीज़ जो कि हिस्ट्री से भी पहले करता था, हंटिंग गैदरिंग वाली, उसको किस में इंक्लूड किया गया? प्री हिस्ट्री के अंदर। एंड प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिकल पीरियड ऑल्सो नोन एज द स्टोन एज, बिकॉज क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था या जो इंस्ट्रूमेंट था विच वॉज यूज्ड मोस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था बाय अर्ली ह्यूमन वॉज स्टोन, उसको स्टोन ही वो इसको हम लोगों ने प्री हिस्टोरिकल पीरियड को स्टोन एज भी कहा गया है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? स्टोन एज कहा गया है। और हिस्टोरियंस ने स्टोन एज को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, तो स्टोन एज को भी हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्टोन एज के थ्री पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है पैलायोलिथिक एज, पैलायोलिथिक एज। पैलायोलिथिक एज क्या होता है? पैलायो मीन्स होता है ओल्ड, और लिथ मीन्स क्या होता है? लिथ मीन्स होता है स्टोन। तो इस तरीके से पैलायोलिथिक एज का मतलब क्या होता है? ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। सेकंड कौन सा है? मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज। मेजो मीन्स होता है मिडिल, और लिथ मीन्स होता है स्टोन। तो मेसोलिथिक मीन्स होता है मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, ठीक है। थर्ड होता है नियोलिथिक, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक मीन्स होता है न्यू, न्यू मीन्स न्यू, और लिथ मीन्स होता है स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। तो इस तरीके से स्टोन एज, प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। प्री हिस्टोरिकल पीरियड को स्टोन एज क्यों कहा गया है? बिकॉज इन दिस पीरियड द इंस्ट्रूमेंट विच वॉज यूज, द मेन इंस्ट्रूमेंट विच वॉज यूज बाय द अर्ली ह्यूमन वॉज स्टोन। और वो जो सबसे जो इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था वो स्टोन का ही बना होता था। हर कोई जो भी टूल्स हैं उनके और ये सब स्टोन के ही बने होते थे, इसीलिए इसको स्टोन एज भी कहा गया है। एंड स्टोन एज फर्दर डिवाइडेड बाय द स्कॉलर्स इनटू थ्री कैटेगरीज, पैलायोलिथिक स्टोन एज, पैलायोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, एंड न्यूलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब रेस्पेक्टिवली ऑल थ्री स्टोन एज, जो तीनों स्टोन एज है उसको मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पैलायोलिथिक एज, पैलायोलिथिक एज को क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज। पैलायोलिथिक एज, पैलायोलिथिक मीन्स इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज। ये ओल्ड स्टोन एज कब से कब तक शुरू होता है और इसमें क्या फीचर्स हैं, इसके क्या खासियत हैं? द पीरियड फ्रॉम अबाउट टू मिलियंस, द पीरियड फ्रॉम अबाउट टू मिलियन, टू मिलियंस years ago to 12,000 years ago, known as Palaeolithic age, यानी कि 2 million years ago को हम लोग कह सकते हैं 20 lakh years ago से लेकर के 12,000 years ago तक का जो पीरियड रहा है वो पैलायोलिथिक एज रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जो स्टोन से जो टूल्स बनते थे वो बहुत ही मोटे होते थे, वो ज़्यादा पतले नहीं होते थे। तो हमने यहाँ बताया है कि द स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स बिलोंग टू पैलायोलिथिक वर मेड बाय 20
लैख ईयर्स अगो, 20 लैख ईयर्स अगो यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो कि द स्टोन्स टूल्स मेड बाय मैन, जो कि इस एज में जो टूल्स बनाए थे, जो कि स्टोन के बनाए थे, वो कितने साल पहले हैं, के हैं 20 लैख ईयर्स अगो के हैं। दे आर बिग एंड थिक इन शेप एंड आर नॉट वेल कट। वो क्या होते थे? दे आर बिग, बड़े होते थे और मोटे होते थे और वो वेल शेप में नहीं होते थे। तो जो टूल्स होते थे, टूल्स वर बिग थिक एंड नॉट इन वेल शेप, और वो सही तरीके के शेप में नहीं होते थे। सेकंड जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, अब इसको भी हम लोगों ने अब स्टार्ट किया है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज के अंदर आते आते, मेसोलिथिक एज मीन्स होता है मेसोलिथिक एज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेसोलिथिक? मेसो मीन्स होता है मिडिल और लिथ मीन्स होता है स्टोन। इट मीन्स मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज में जो कि यहाँ पर पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स बिग होते थे और थिक होते थे, यानी कि बड़े और मोटे होते थे, वो यहाँ तक आते आते अब क्या हो गए? स्मॉल हो गए। इन दिस एज स्टोन टूल्स बिकेम, क्या हो गए? वो स्मॉलर, वो छोटे हो गए, जिनको क्या कहा गया? माइक्रोलिथ्स कहा गया। इट वॉज कॉल्ड माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ मतलब कि जो छोटे टूल्स थे, यानी कि जो पैलियोलिथिक एज था उसमें स्टोन टूल्स बड़े थे, मोटे थे, नॉट वेल इन शेप। मेसोलिथिक, जिसको मिडिल स्टोन एज कहा जाता है, और द शेप ऑफ स्टोन बिकेम स्मॉलर। अब यहाँ पर जो स्टोन टूल्स है वो स्मॉल बन गए और इनको क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक कहा गया। क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक टूल्स कहा गया। और द एक्सकेवेशन डन इन गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला टेलस अबाउट दीज टूल्स वर 12,000 ईयर्स ओल्ड। और इस टाइम के, अच्छा, जो पैलियोलिथिक एज का जो स्टोन टूल्स थे वो कितने लाख पुराने थे? 20 लाख ईयर्स अगो, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो। और ये जो पीरियड था ये कितने साल पुराने से? 12,000 ईयर्स अगो से लेकर के 8,000 years ago, the stone tools of this age, इस एज के जो स्टोन टूल्स थे were old from 12,000 years ago to 8,000 years ago, इनकी 12,000 साल से 8,000 साल पुराने टूल्स मेसोलिथिक पीरियड के हैं या मिडिल स्टोन एज के हैं। तो यहाँ इस ये जो टूल्स हैं ये कितने साल पुराने हैं? 12,000 years old हैं। The men belonging to this age learned hunting and storing of food for future. अब इस टाइम पर जो है, इस टाइम पर जो मैन था वो हंटिंग सीख चुका था एंड स्टोरिंग फूड फॉर फ्यूचर। अब वो फूड को आने वाले कल के लिए भी स्टोर करके रखने लगा था। मैन स्टार्टिंग लिविंग इन अराउंड हट्स मेड ऑफ स्ट्रो। अब मैन ने जो कि जो मानव था, अब उसने हट्स में रहना शुरू कर दिया था। एंड नियर द बैंक ऑफ रिवर एंड लेक, वो नदियों और झीलों के आसपास में रहने लगा था। ही बिगेन टू यूज़ क्ले पॉट्स एंड हैड स्टार्टेड बेकिंग एंड कुकिंग फूड। और मेसोलिथिक एज में अब उसने खाने को पकाना शुरू कर दिया था। तो क्या क्या चेंजेस आए थे इस पीरियड में? द टू स्टोन टूल्स बिकेम स्मॉलर, स्टोन टूल्स स्मॉलर बन चुके थे। एंड द टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर 12,000 years old, ये 12,000 साल पुराने थे। इन दिस पीरियड मैन लर्न, मानव ने सीख लिया था इन द राउंड हट, यानी कि गोल झोपड़ी में रहना सीख लिया था। नियर द बैंक ऑफ रिवर एंड लेक, अब वो झीलों के आसपास या रिवर के किनारे के आसपास रहना वो सीख चुका था। नाउ ही लर्न कुक फूड एंड नाउ ही यूज टू क्ले पॉट्स, अब वो मिट्टी के बर्तन भी यूज़ में लेना सीख गया। तो 4 चेंजेस आए थे मेसोलिथिक में। जो टूल्स थे वो क्या बन चुके थे? स्मॉल बन चुके थे। अभी उसने एग्रीकल्चर करना नहीं सीखा था और न ही एनिमल्स रियरिंग सीखी थी। तो इसने अब तक, अभी तक यहाँ पर क्या सीखा? हंटिंग एंड स्टोरिंग फूड फॉर फ्यूचर।
हंटिंग सीख चुका था वो, और क्या एंड स्टोरिंग फूड फॉर द फ्यूचर. एंड ही स्टार्टेड टू लिविंग इन द राउंड हट नियर द बैंक ऑफ रिवर एंड लैक. एंड ही स्टार्टेड टू यूज ऑफ क्ले पॉट्स. अब उसने मिट्टी के बर्तनों का यूज स्टार्ट कर चुका था. एंड ही ऑल्सो लर्न कुकिंग फूड, और वो खाना पकाना भी सीख चुका था. नाउ जो थर्ड आता है स्टोन एज, वो आता है नियोलिथिक. थर्ड कौन सा आता है बेटा? नियोलिथिक. देखो बेटा, अभी तक उसने मेसोलिथिक तक एग्रीकल्चर नहीं सीखा है. नियोलिथिक, नियोलिथिक मतलब होता है न्यू स्टोन एज. न्यू स्टोन एज जो कितने साल पुराने हैं? 8000 ईयर्स अगो. तो द मैन ऑफ नियोलिथिक एज स्टार्टेड एनिमल टैमिंग. उसने अब एनिमल रेयरिंग सीख चुका था एंड एग्रीकल्चर. वो क्या कर चुका था? एग्रीकल्चर भी सीख चुका था. द मैन ऑफ नियोलिथिक एज स्टार्टेड एनिमल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर. इन दिस एज मैन बिगेन टू मेक टूल्स दैट वर फाउंड यूजफुल इन फार्मिंग एंड कैटल ब्रीडिंग. अब वो जो है मैन सीख चुका था इस तरीके के टूल्स बनाना विच वर यूज इन द फार्मिंग एंड कैटल ब्रीडिंग. तो वो ऐसे टूल्स बनाना सीख चुका था जो कि यूजफुल होता है इन द प्रोफेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल ब्रीडिंग. जो इसमें जो कौन कौन से टूल्स मिलते हैं? एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, बोरिंग व्हील, हैमर हथौड़ा, इस तरीके के ये चीफ इंस्ट्रूमेंट थे जो कि वो यूज करता था. दीज टूल्स वर मेड ऑफ हार्ड स्टोन लाइक द बेसाल्ट एंड वर स्मूथन बाय द ग्राइंडिंग. द प्रोफेशन ऑफ एग्रीकल्चर फोर्स्ड मैन टू सेटल एट वन प्लेस. एंड इन दिस पीरियड मैन स्टार्टेड द प्रोफेशन ऑफ एग्रीकल्चर दिस फोर्स्ड टू सेटल वन प्लेस. और इस टाइम तक आते आते मानव ने एग्रीकल्चर सीख लिया था. एंड ड्यू वैन ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर देन अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर ही ऑल्सो स्टार्टेड सेटल एट वन प्लेस. अब वो खाने की तलाश में यहाँ वहाँ नहीं घूमता था. नाउ ही स्टेप टू नॉमेडिक लाइफस्टाइल. उसने अपनी नॉमेडिक लाइफस्टाइल को स्टॉप कर दिया था. नॉमेडिक लाइफस्टाइल का मतलब है कि यहाँ से वहाँ घूमना. वो पानी और फूड की तलाश में जब यहाँ वहाँ घूमता था उसको स्टॉप कर दिया था, क्योंकि अब उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था. खाना उसको एक ही जगह पर मिलता था. सो ही स्टार्टेड टू सेटल एट वन प्लेस. और इसके साथ ही अब उसका इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट भी होने लगा. तो हमने पैलायोलिथिक, हमने जो स्टोन एज पढ़े, कितने स्टोन एज पढ़े बेटा? 3. पैलायोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. मेसोलिथिक तक तो जो टूल्स थे वो स्मॉलर हुए, जिनको माइक्रोलिथिक्स कहा गया. एंड ड्यूरिंग द एज ऑफ मेसोलिथिक मैन लर्न टू लिव इन हट नियर द बैंक ऑफ रिवर एंड लैक. ठीक है, अब यहाँ पर आते आते उसने दो चीज़ें सीखी थी. क्ले पॉट्स का यूज़ करना सीखा था और फूड कुक करना सीखा था मेसोलिथिक एज में. नियोलिथिक एज में उसने कैटल रियरिंग या फिर एनिमल रियरिंग सीख लिया, और एज वेल एज उसने फार्मिंग भी सीख ली थी. और जो टूल्स उसने बनाने शुरू कर दिए थे या मेन टूल्स जो होते थे इस पीरियड के, वो एक्स था, बोरिंग व्हील थे, हैमर्स थे. एंड ड्यू टू व्हेन ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर, जब उसने एग्रीकल्चर सीख लिया था, व्हेन ही लर्न एग्रीकल्चर देन ही ऑल्सो स्टार्टेड टू लिविंग एट वन प्लेस. तो उसने एक प्लेस पर रहना भी स्टार्ट कर दिया था. एंड व्हेन ही स्टार्टेड टू सेटल एट वन प्लेस हिज इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑल्सो टुक प्लेस. तो उसका कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ. तो हमने जो आज कंप्लीट किया है वो प्री हिस्टोरिकल कल्चर कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग कल तैयार करेंगे. टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ़.